नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। सेवड़ा से है, वार्ड क्रमांक 11 से है। वहीद पिता वजीर खान के पास भूमि न होने के बावजूद उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला। आपको बता दें, कई बार आवेदन सेवड़ा नगर परिषद में आवास की सूची के नाम में नाम जोड़ने के उद्देश्य आवेदन दिया गया, फिर भी आवास योजना में नाम नहीं जोड़ा गया। आपको बता दें, ऐसे कई परिवार हैं जो कि पात्र होने के बावजूद उनके नाम अपात्र की श्रेणी में डाले गए हैं। केवल इतना ही नहीं, जब हम वार्ड क्रमांक 11 में पहुंचे तो हमने फहमीदा खान से जब हमने बात की तो उन्होंने नगर परिषद पर आरोप लगाया। साथ ही साथ बताया कि मैंने कई बार नगर परिषद में सेवड़ा में आवेदन दिया है, परंतु आज दिनांक तक कोई प्रकार से आवास नहीं आया है, जबकि हम लोगों को आवास की अति आवश्यकता है। मेरे छोटी सी झोपड़ी में पन्नी चढ़ाकर अपनी फैमिली को गुजारा कर रही हूँ। संवाददाता रामबाबू जाटव की रिपोर्ट। कि हमारा ये मकान रामबाबू सेवड़ा से, आज मैं इस गरीब के घर यहाँ पर ले जा रहा हूँ। यहाँ पर नगर सेवड़ा में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से पूरा जो है झोपड़ा यहाँ पर बना हुआ है इन गरीब का। और चलिए हम उन गरीब से बात करते हैं, इनको आवास मिला है यहाँ पर ये नगर में नहीं। चलिए हम बात करते हैं, किसका है, किनका है। आज मैं उस झोपड़े वाली भाई के पास में बैठा हूँ, यहाँ पर बात करता हूँ उनसे। क्या नाम है भाई आपका? जी, आपके ये मकान जो बना हुआ है कहीं पक्का बना है क्या? नहीं, कहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो आपके पास कोई जमीन वमीन है? नहीं, कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा, ये कच्चा बना हुआ है पूरा? हाँ। तो चलिए हम थोड़ा आगे देखते हैं आपका क्या है घर में, अंदर और कुछ है कि नहीं। कुछ नहीं है, देखते। और मैं इस समय में गरीब के अंदर घर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर फैमिली भी है उनकी, और आप देख सकते इस तरीके से पूरा ऊपर झोपड़ा ही बना हुआ है। और मैं इनसे बात करूंगा थोड़ी देर की। इन्होंने ये देखिए, आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी छोटी सी झोपड़ी में इनका एक छोटा सा परिवार है। कितने लोग हैं परिवार में आपके? अब है तो लड़की चार, अब सब बाहर ही रह रहे, कोई मजबूरी बस बाहर रह रहे हैं क्योंकि चलिए आइए आप थोड़ा आपसे। भाई क्या नाम है आपका? बिस्मिल्ला। बिस्मिल्ला नाम है आपका? तो आप इनकी पड़ोसी हैं? क्या नाम है इनका? किन के घर के सामने खड़े हैं आप? हम वहीद के घर के। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम बताया आपने? बिस्मिल्लाह। इन्होंने ये बताया कि हमारा ये मकान है, इनका ही ये मकान है? नहीं, का है। इतना ही छोटा सा मकान है? मकान इनके पास आता नहीं जी, वो तो थोड़ा काउन दिया, थोड़ा जी, जी, सा अपने बना दिया, अपने रख। तो ये कच्चा मकान? कच्चा मकान कब से है इनका? जिंदगी से रह रहे हैं, कम से कम 40 साल 50 साल हो गए। अच्छा अच्छा, हो गई। आप लोग अड़ोस पड़ोस में रहते हो इनके? अरे हम तो घर भैया, बताए आप बाढ़ कितना है ये? अपना 11 है इसमें। ये वार्ड क्रमांक 11 में मैं खड़ा हूँ इस समय, और यहाँ पर हम दादी जी से बात करते हैं, अम्मा जी से बात करते हैं। तो दादा जी, आपने कभी फार्म डाला था यहाँ? हाँ, पर डाला था। तो नगर पालिका में फार्म डाला, फिर भी एक आवास के लिए आपका आया नहीं है। कब डाला था फार्म आपने? पहले डाली थी, जब पहले जब बंद पहले डाली थी, फिर बीज फिर डाले, फिर भी डाले आपने? अंदर 2-3 दफा डाल चुके। अच्छा, जब नगर पालिका की टीम आती है तो आप लोगों के घर के पास आती है सर्वे करने? यहाँ पर नहीं आती, कोई नहीं आती, कोई आता ही नहीं है, देखना भी नहीं आता कोई। अच्छा अच्छा, तो इसके बाद फिर कोई यहाँ आया भी नहीं है अभी? फार्म किस नाम से डला है आपका? वहीद के नाम। वहीद के नाम से डला है। ठीक ठीक है।